नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इंडिया टाइम न्यूज की अपडेट मिल सके। नमस्कार, आप देख इंडिया टाइम न्यूज, इंडिया टाइम न्यूज आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज प्रयागराज, 4 साल की मासूम बच्ची ने की गुब्बारे की मांग तो पिता को गुजरा नागवार चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। कलयुगी पिता ने घटना को दिया अंजाम, खुद को भी चाकू मारकर किया घायल। प्रयागराज कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत खुल्दाबाद इलाके में कलयुगी पिता ने 4 साल मासूम बच्ची को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों के मुताबिक मासूम बच्ची ने अपने पिता से गुब्बारे की थी मांग। महज 2 रुपए के गुब्बारे के खातिर पिता को बच्ची की मांग इतनी नागवार गुजारी कि मासूम बच्ची को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया और खुद भी चाकू मारकर अपने आप को घायल कर लिया। परिजनों का घटना की जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से किसी तरह की आहट नहीं सुनाई दी। फिर दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। क्या हुआ? पेट में बच्चा था, मेरे आदमी मुझे रोड देख के ले गया मारने के लिए। बच्चे ने गुब्बारा मांगी, बच्चे को मारने लगा। मैं बोली मत मारो, मेरे को बाइक से खेल दिया, उसको लेके बाइक से रात कर गए था। 10:30 बजे रात में आया सर, उसके बाद में सुबह में पुलिस को लेके गए, पुलिस को देखा, बेटी को भी मार डाला, अपने को भी खून कर लिया। क्या कोई पुराना झगड़ा चल रहा था? कुछ नहीं सर, बाड़ा के चक्कर में बस, इतने ही, कोई बात नहीं था। अपना नाम बता दे। पिंकल नाम है मेरा। एक लड़की को चाकू मारा गया, क्या मामला पूरा किस? देखिए, ये सिद्धार्थ नगर का एक परिवार है जो यहाँ खुल्दाबाद में टाटा चौक पटना के पास रहे के मकान में। ये आज सुबह पति पत्नी इसी बात को लेकर के विवाद हुआ है। कल से ही विवाद चल रहा था जिसमें ये उसकी सौतेली बेटी है 4 साल की, उसको लेकर के कमरे में घुस गया और उसने जब ये देखा कि हमारा जो है इनसे तनाव दूर नहीं हो रहा है, उसने बेटी को मारने की धमकी दिया। इन लोगों ने पुलिस को कॉल किया था, पुलिस जब तक मौके पर पहुंची वो दरवाज़ा बंद कर लिया था और जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो उसके स्वयं आरोपी भी घायल अवस्था में था और जो लड़की है उसकी डेथ हो चुकी थी। आरोपी का एसआरएन में इलाज चल रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने 302 का अभियोग पंजीकृत किया है। आरोपी हमारी हिरासत में है और ये घटना कैसे हुई और कैसे इतनी बड़ी रूप ले लिए इसके बारे में हमारी पुलिस है।